हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप टाटा स्काई के फैक्ट्री डाटा रिसेट कैसे कर सकते हो, रिस्टोर कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए और पूरा देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे टाटा स्काई के रिस्टोर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हम यहाँ सेटअप बॉक्स के सामने आ चुके हैं। उसके बाद आपको एक रिबोर्ड में ऑप्शन पर क्लिक करना हो ऑर्गेनाइजर पर, उसके बाद आना है आपको सिस्टम सेटिंग्स में। उसके बाद सिग्नल टेस्ट बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो इसमें आपको मास्टर रिसेट के ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछेगा यस नो, तो आपको सेलेक्ट करके यस पे यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद प्लीज़ वेट, सेटअप बॉक्स विल रिस्टार्ट इन अ मोमेंट, कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो आपका जो सेटअप बॉक्स है वो रिस्टार्ट होगा वापस से। आपको फिर से मैं बता दूँ, ऑर्गेनाइजर का ऑप्शन रिमोट पर प्रेस करना है। उसके बाद सिस्टम सेटिंग में जाके मास्टर रिसेट पर क्लिक करके यस पे क्लिक करना है। ठीक, मैं साइड में यहाँ पे रिमोट कंट्रोल के थ्रू आपको बता भी रहा हूँ। यहाँ पे तो रिस्टार्ट हो के फिर से कुछ इस तरह यहाँ पे ओपन होगा, रिस्टार्ट हो जाएगा आपका सेटअप बॉक्स, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो आपको सेलेक्ट करके आपको इसको सेलेक्ट करना है और जी सेट होम पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे 3 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट का जो लोगो है वो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हो आप, कुछ थर्ड नंबर वाला आपको यहाँ पे सेलेक्ट जी सेट होम K9 होम जो है उस पर क्लिक करना है। उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया हमने। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेट कर लेना है 3-4 सेकंड्स का। उसके बाद नेक्स्ट का जो है मतलब बटन था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, देख सकते हो आप आएगा यहाँ पे। तो जैसे ही उसका आता है तो हम उस पर नेक्स्ट पे कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आ चुका है। तो उसको सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो टीवी जो है ना, मतलब सेटअप बॉक्स हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कैसे आप इसको अपडेट करें, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो वीडियो सब्सक्राइब कर ले, वो भी वीडियो मिल जाएगी आपको, और लाइक कीजिए इस वीडियो को।